हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो थंबनेल है वो है हाउ टू इनेबल फुल स्क्रीन। ओके, अगर आप वर्चुअल बॉक्स में काली लाइन चलाते हो तो आपको बहुत ही स्मॉल स्क्रीन आती है, तो हम इसमें फुल स्क्रीन चलाने वाले। ओके, तो देखते हैं कि जो हमारे काली लाइन है उसको फुल स्क्रीन कैसे कर दे वर्चुअल बॉक्स में। ओके, तो मैं चाहता हूँ काली लाइन में। ओके, तो देख सकते हो अभी तो मेरी फुल स्क्रीन है, ये देखो ये पूरी तरह से फुल स्क्रीन है। ये देखो माउस भी मेरे अंदर बाहर कर पा रहा है। ओके, तो आपका नहीं हो रहा होगा, आपका ये राइट कंट्रोल से होता होगा। इधर राइट कंट्रोल है ना, वो दबा के बाद आपका हो जाता है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। ओके, तो देखो सिंपली आपको ये करना है, डिवाइस में जाओ। ओके, डिवाइस में जाने के बाद इंसर्ट गेस्ट एडिशन है ना, इस पे क्लिक करो। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इधर एक डिस्क का फाइल आ जाएगा, ये देखो आ गए हैं, या फिर रन रन का ऑप्शन आ सकता है। ओके, यस नो, अगर ऑप्शन आपको नहीं आता तो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप उसमें रन कर देना, और उसकी प्रोसेस हो जाने के बाद आप रिस्टार्ट कर दो, रिबूट कर दो, और आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या, अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है यस नो का, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको ऐसे ओपन कर सकते हो। तो देख लो अभी ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखो ओपन हो चुका है। तो उसमें से हमें क्या करना है, अभी हमारा एक लाइनक्स है, तो उसकी लाइनक्स की एक फाइल ये देखो वी बॉक्स लाइनक्स एडिशन रन, इस फाइल को आपको रन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से राइट क्लिक करना होगा और ओपन टर्मिनल हियर इस पे क्लिक करो। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये हो जाएगा ओपन। तो इधर आपको एक कमांड चलानी है जो आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो इधर आपको कमांड चलानी है बैश। ओके, वी बॉक्स लाइनक्स एडिशनल, जो फाइल मैंने आपको बोला था इस फाइल को आपको रन करना है। ओके, तो इसको आप एंटर करोगे, ये देखो ऐसा आएगा और आपका हो जाएगा। अभी तो मैंने तो पहले से कर दिया है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम हमारा। ओके, तो इसको रन कर दो, बस इतना कर दो, अगर ये फाइल रन नहीं हो रही आपके सिस्टम में। ओके, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इस फाइल को कॉपी करो। ओके, तो सीपी कमांड है सीपी हाइफन आरबीएफ। ओके, और वी बॉक्स लाइनक्स एडिशन रन, और इसको स्लैश रूट डेस्कटॉप में डालो। ओके, अगर ये फाइल रन नहीं होती तो। ओके, यहाँ पे डाल दो। ओके, अगर आप नॉर्मल यूजर से होगी तो नॉर्मल यूजर का पाथ डाल दो। ओके, तो वही है सिंपली, या फिर चाहे तो मेरा है कि ना बेसिक का भी है कमांड, वो भी एक बार चाहे तो देख लेना, उससे भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको उधर जाके भी उसको रन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट इधर से जाता हूँ स्लैश रूट डेस्कटॉप। ओके, तो इधर करता हूँ एलएस, ये देखो आ चुका है, और इधर डॉट स्लैश और वी बॉक्स। ओके, तो ऐसे भी ये हो जाएगा, ये देखो। अगर इधर से फिर से बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड, ऐसा एरर आ रहा है, तो उस केस में यूज करो सी एच मोड प्लस एक्स, और जो आपकी फाइल है वी बॉक्स लाइनक्स एडिशन उस पर क्लिक करो। ओके, तो ऐसे उसको परमिशन दे दो, और एक बार फिर से इसका यूज करो, या फिर ये तो कमांड चलो, या फिर ये कमांड चलो बैश वाली। ओके, तो दोनों आपका वर्क करेगा। ओके, ये देखो हो रहा है। ओके, अगर इससे भी आपका वर्किंग नहीं हो रहा है, लेकिन रिबूट जरूर कर लेना, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है। ओके, कभी कभी वो ठीक से नहीं होता, तो उस केस में कभी कभी वो ठीक से फुल स्क्रीन नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मतलब इसे ड्रैग करो, इससे इसको ड्रॉप ड्रॉप करो। ओके, तो उस केस में कभी कभी वो फुल स्क्रीन ले सकता है। ओके, और दूसरा एक ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग में, यस, तो सेटिंग मैनेजर में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ढूंढना है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे क्लिक करो। ओके, तो डिस्प्ले पे ये देखो रिजोल्यूशन मेरा पहले से ही है, तो आपका नहीं होगा तो आप इधर से भी उसको चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए ना उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो अभी मैं नॉर्मली ये कर लेता हूँ, और
अप्लाई कर लेते हैं हम इसको, ऑल सेटिंग। ये देखो इसको मैंने कर दिया है अप्लाई, ये देखो अलग तरीके से हो चुका है थोड़ा सा डिस्प्ले मेरा। तो यस, एक बार मैं फिर से इसको कर लेता हूँ, 1024 कर लेते हैं। ये देखो अब ये अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं हम, ये देखो हो गए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, इधर एक मैसेज आएगा आपको, ये देखो इस पे क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। ओके देखो स्क्रीन भी मेरा डिस्प्ले कम हो चुका है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल चुके हैं कि कैसे आप एक फुल स्क्रीन उसको कर सकते हो। ओके एक काली लाइनक्स ही है, ओके ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काली लाइनक्स ही है, सेम फीचर्स है, कुछ भी नहीं है, काली है, पर अंडर कवर से मैंने किया है इसको, तो इससे फिर से काली जैसा हो जाएगा। ओके तो आप देख सकते हो एक काली लाइनक्स है, सेम फीचर है, इधर भी सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल सकता है। सेम सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो इधर भी देखो सेटिंग मैनेजर। ओके तो सेम प्रोसेस है, एक बार इसको जरूर चेक कर लेना। और भी आपको इसमें डाउट आते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट जरूर कर लेना, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके तो फिलहाल के लिए हम यही रुकते हैं। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और बने रहना मेरे साथ, फिर मिलेंगे टेक विद सैम। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।